फिल्म का नाम हो वाइट पंजाब। एक बच्चा जो तो पैदा होगा ना जो फुल दे रंग देखता आप कदे भी नहीं देख सकते। जो रंगा बच्चा इंजॉय करता ना आप कदे भी नहीं कर सकते। जो फुल देख के बच्चा समाइल करता असी नहीं कर सकते। असी जिंदगी जींदे 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 इन्हां दायरों चो निकल के अपने जीवन के रुजगार के चीजा चो इन्ने उड़ते जाने के असी एंड ऑफ द डे ब्लैक एंड वाइट ही रह जाने। जो असी ब्लैक की गल करते हैं या वाइट की गल करते हैं पर असल दे विच ब्लैक एंड वाइट दे विच छुपिया होया गुलदस्ता है। असी गए फिरोजपुर तो चलीए चाहे अमृतसरों चलीए चाहे बठिंडे चलीए चाहे डब वाले तो चलीए चाहे हरियाणे तो चलीए हिमाचल तो चलीए आके यूनिवर्सिटी इकट्ठे होंगे तो हर एक का अपना रंग होंदा अपनी अदा होंदी अपनी समस्या होंदी है अपने ही सुभा होंदे आ। उत्थों शुरू होंदी उन्हां दी बनावट। उत्थों जो यूथ जो 18 तो 20 साल का इन्होंने दायरे च आता कोरा टागे हुंदा उन्हूं कहिंदे असीं वाइट पंजाब। उहदे ते हुण कीड़ी स्याही कीदा रंग चढ़दा किहड़ा GPRS उहनूं किहड़े पासे लै तुरदा उदू बाद उहदी जिंदगी डिसाइड करनी है। इत्थों IAS भी निकलदे आ इत्थों सिंगर भी निकलदे आ इत्थों एक्टर भी निकलदे आ इत्थों गैंगस्टर भी निकलदे आ इत्थों चोर भी निकलदे आ इन्हां फड़न वाली पुलिस भी निकलदी ठीक है समाज सुधारन वाला सिस्टम है ऑफिसर भी निकलते हैं। सो डिपेंड करता है वो किहड़े पासे यूथ किवें जांदा ते मैनूं ऐ लगता जिहड़ा टेढ़े पासे जांदा जिहदी लोड़ नहीं है समाज नूं जां समाज करके पैदा होया जां अपने आप पैदा होया चाहे मर्जी नाल पैदा होया। मैं कहना जिंदगी उदों तक है जदों तक तुसीं जिउंदे हो मरिया बाद तां मेले नहीं कौन देखदा। मैं कहना कम करो जिंदगी जियो हसो खेडो माणो उस राह ते तंदरो जी दी जिंदगी अंत होवे। मैं कहना एक बच्चा जम्मिया अपनी उम्र दे नाल ही मरे तां चंगी गल है इसे नूं समाज कहिंदे आ। ते अज कल मैं उह बरातां घट देखदा जदों किसे बुढ़े दी बरात जांदी होवे ते गुब्बारे लगे हों तुसीं लोकां ने किन्नियां ही देखियां ना जदों ढोल वजदे सेवें तक जांदियां लाशां नहीं देखियां ना। मैं कहना उह लाशां दुबारे पैदा हो जाण उह मुर्दे दुबारा पैदा होण ते जदों समाज तों बंदा जावे उहदा परिवार ढोल ढमके गावे उहदे सोने की पीढ़ी चढ़ाया जाए पूरी जिंदगी माण के जाए वह हैगी है वाइट पंजाब। जे समझ लोगे वह यूथ के चंगिया की गल है एंटरटेनमेंट है कहना समझाया तरीके नाल है पर समझना थोड़ा काम। थैंक यू। एक भाई दक्षदीप सिंह और तुसी भाई दोवे म्यूजिक एल्बम्स तो आए हो स्टार्टिंग थोड़ी म्यूजिक एल्बम से हिट स्टार सीगे तुसी एक टाइम ते और थोड़ी बॉडी उदां दी उदां ही है। दक्ष भाई ने हुण काफी ज्यादा इवॉल्व की होर भी ज्यादा अच्छी गल विच निकल गए सी ना अपने रोल के हिसाब से शायद खड़े होंगे। मैं पूछना चाहता कि किन्ने क लोगों को अपने पिंड में या अपने शहर में तुम इंस्पायर करते हो जिदा बॉलीवुड के स्टार इंस्पायर करते हैं जवान इब्राहिम वर्गी साड़ी बॉडी हो क्योंकि शुरू तो इदा दी। मैं लगता जिहड़ा एक चंगा कलाकार है जो चंगा जिहदे कोई सोच हैगी है वह पिंड च की सारे पासे अपने उस गुण नाल प्रभावित करता है। पहले नंबर तो आपां जिवें साडा भरा काका उहने लाइब्रेरी बनाई है मैं अज भी सुनिया कहिंदे जी की सिक्ख्या देनी चाहोगे कहिंदा पढ़ लिया करो कहिंदा तुसीं की कहिंदे बचो की तो कहिंदा फुद्दू कम्मां तों बचो। कहण दा शब्द इक हैगा जो यूज किया पर उहदे पिछे चाहे तुसीं हजार बंदे की किताब लिख सकदे गल सेम हैगी वाइट पंजाब वाली गल ही हैगी है ना। सो पिंड दे विच तां की मैं पूरे पंजाब दे विच मैं जम्मू कश्मीर तक दिल्ली तक कितने भी कोई जिम खोलता मैं ओपनिंग बुला जरूर है उन्होंने ए लगता कि मैं जो फेसबुक शुरू होया उदो मैं फिटनेस का काम शुरू करता सी तो मैं जो अजकल के नौजवान फिटनेस वाले जाते हैं मैं पुरखियां गिणते उम्र के हिसाब न नहीं उन्होंने पैर ही हाथी लाने जाते हैं। जो मैं शुरू होया मैं कला से अज 5000 चैनल है मैं लगता फिटनेस के जो रोटी खाते हैं तो उस बाद 5000 तो बाद कुड़ियां दे चैनल ने उस पहले कोई नहीं सीगा। सो काम वो करो जिहड़ा लोगों को सेहत देवे एंटरटेनमेंट देवे स्वस्थ देवे घरदिआं नूं ये चिंता ना लगी रहे भी यार आह चीज़ खाण लग गया पीण लग गया पता नहीं इहदी उम्र किन्नी आ ये फिक्र रहे भी वह तो तगड़ा है सानूं सांभ लूगा। सेम ही लखविंदर बाई का भी कोई मोटिव होगा बाई तुहानूं समझाउंदे मोटिव कोई नहीं मिले मेरा यह मनना है भी हर इंसान लाइफ से कितना कितने एक दूजे को इंस्पायर करता है कोई अपने काम नाल कोई अपने शरीर नाल कोई अपनी कला नाल। सो साडी बिकॉज एज एन एक्टर की आप भी जरूरत है रोल के हिसाब नाल बहुत बारी वजन घटाना वधाना पैंदा है ना
ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਫਿੱਟ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਫਿਟਨੈਸ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਸੀਗੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਟਿੰਗ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉੱਚ ਗਏ ਫਿਰ ਕਰੈਕਟਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਐਕਟਰ ਤੁਸੀਂ ਗਰੋ ਕੀਤੇ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਾ ਨਹੀਂ ਹਰ ਐਕਟ ਸੀਨ 'ਚ ਬੋਡੀ ਨਹੀਂ ਚੇਂਜ ਹੋਈਆਂ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਰੋਲ ਕਰਨੇ ਆ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਪਏਗਾ ਉਹ ਫੇਸ 'ਚੋਂ। ਬਟ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮਰਦੇ ਦਮ ਤੱਕ ਰਹੇਗਾ, ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਮੰਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਵੀ ਹੱਸਦੇ ਖੇਡਦੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ, ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਕੋਈ ਰੋਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਹੈ ਲਾਈਫ ਦੀ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈਲਦੀ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਭੋਗ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਹੀ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਲਈ ਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਇਹਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਫਿੱਟ ਰੱਖਿਆ, ਹੈ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇੰਸਪਾਇਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰੇਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਰੇਗਾ, ਬਾਕੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰੇਗਾ, ਅਤੇ ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੀ।